नमस्कार दोस्तों, कैमरा कुकिंग विजय में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स और फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है बथुआ का रायता। बथुआ का रायता हमारे स्किन के लिए भी फायदेमंद है और साथ ही हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को भी सही रखता है, तो इसे का सेवन जरूर कीजिए। और ये विंटर स्पेशल है, तो चलिए फ्रेंड्स, देर किस बात की, रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। बथुआ का रायता बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया एक गुच्छा बथुआ, और बथुए को हमें तोड़कर रेडी करना है। इस तरह से यहाँ से इसकी मुलायम जो पत्तियाँ हैं ये तोड़कर मैं रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पत्तियों को तोड़कर इसे धोकर रेडी कर लिया है और अब हम इसे उबालने के लिए रखते हैं। मैंने इसमें बथुआ डाला है और अब इसमें एक कप पानी डाल के और गैस में इसको ढक कर करीब 4 से 5 मिनट इसे पकाऊंगी। करीब 4 मिनट हो गए हैं और अब हम देखेंगे ये बथुआ हमारा बॉईल हो गया अच्छे से। इसे हम ये लेंगे और देखो ये दबाएंगे और ये देखिए ये अच्छे से पक गया यानी उबल गया है। अब गैस फ्लेम को बंद करेंगे, इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, बथुआ मेरा ठंडा हो गया है और अब मैंने मिक्सी के जार में डालकर इसे मैं पीस कर पेस्ट तैयार कर ली। तो लीजिए फ्रेंड्स, बथुआ पीस कर मैंने रेडी कर लिया है, ये देखिए। यहाँ बाउल में मैंने एक कटोरी दही ली है, ध्यान रहे दही बहुत खट्टी ना हो, और इसमें मैं ऐड करूंगी जो मैंने बथुआ पीस कर रेडी कर लिया था, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा इसमें टेस्ट के लिए डलेगा काला नमक, और एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इससे इसका स्वाद और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो चलिए अब हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ तड़का पैन में मैंने एक छोटा चम्मच तेल गर्म होने के लिए रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटा चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से क्रैकल हो गए हैं, थोड़े ब्राउन हो गए, अब डालेंगे हरी मिर्च। अब इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग। तो फ्रेंड्स, तड़का रेडी हो गया, गैस फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं तड़के को इसमें ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, बथुआ का रायता बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे परोसिए गर्मा गर्म आलू के पराठे के साथ, गर्मा गर्म दाल चावल, खिचड़ी या पुलाव के साथ। अगर आज की रेसिपी फ्रेंड्स आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलती हूँ अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।